हाई गाइज़ वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज़ कैसे आप लुक आई होप आप बढ़िया हो गए ओके सो आज मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ एक स्किन केयर का प्रोडक्ट का रिव्यू सो मेरे पास यहाँ पे है द एन बाई बे के दिस इज़ द टोनिंग पैड्स ओके सो फर्स्ट मैंने आपके साथ शेयर करता था एन बाई बे के दिस uh, जो मैंने शेयर किया था दट वॉज द एक्सप्लोड पैड्स आई डोट नो वायर इज ओके सो मैंने शेयर करता था एक्सप्लोड पेड ओके दिस इज द एक्सप्लोड पैड्स सो मैंने यही वाला शेयर किया था सो so, अगर आपको इसका रिव्यू देखना है वो आ जाके चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर ऑडियो अपलोड है अब मैं चेक करूँगी आप लोग के साथ दिस इज द एन का टोनिंग पैड सो so, आप लोग को मिल रहा है एन के टोनिंग पैड एंड इसे कैसे यूज़ करते हैं सो so, सबसे पहले आप लोग इसका वो क्लोजर व्यू देख लीजिए पहले मैं आप लोग को फर्स्ट यहाँ पे ऐसे ही पैक में मिल रहा है आप देख सकते हैं अच्छी अच्छी खासी मतलब टब मिल रहा है आपको एंड देन आपको ऐसा ओपन आया था यहाँ पे थर्ट थारे सारे थर्टी पैड्स हैं एंड आप एक टोनर देख सकते हैं टोनिंग पैड मतलब इसमें ऑलरेडी आपको एक कॉटन मिल रहा है एंड इसमें ऑलरेडी मतलब टोर है इसमें ओके okay? सब so आप डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकते हो अपने अपने फेस पे सो so चलिए पहले इसका आप लोग फुल रिव्यू देख लीजिए एंड देन मैं आप लोग अप्लाई कर अप्लाई एंड यूज़ करके बताऊंगी कि कैसे आपको यूज़ करना है सो गाइज दिस इज़ एन वाई बेट टोनिंग पैड्स पैक ऑफ थर्ट आपको पिंक कलर का इसकी पैकेजिंग मिल रही है एंड वाइट कलर का इसका पूरा कैप है सो आपको पूरा बॉक्स मिल रहा है इसमें एंड पीछे आपको यहाँ पे सारी मैनुफैक्चर डेट्स एंड सब कुछ मिल जाएगा इसमें लिखा है एल्कोहल फ्री है सल्फेट फ्री है एस फ्री है मिनरल फ्री है एंड पैरबिन फ्री है इग्रीडियंस डी एम वाटर एलोवेरा डाला है इसमें लीफ एक्सट्रैक्ट है इसमें बहुत सी ग्लिसिन वाला आपको जो चेक करना है इग्रीडियंट्स भी सारे लिखे हैं हाउ टू यूज आपको कैसे यूज़ करना है वो भी लिखा है मैनुफैक्चर बाय सारी डेट्स लिखा है इसमें फॉर इंक्वायरी कॉन्टैक्ट भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे आपको ई मेल भी कर सकते हैं एन वाई बी ब्यूटी डॉट कॉम पे एंड इसका जो मैनुफेक्चर प्राइस आपको मिल जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी फोर तक मतलब आपकी थ्री ईयर्स तक ये चल जाएगा एंड इसकी एम आर पी है वन ट्वेंटी फाइव रुपीज़ बट मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको सेल में चाहिए तो आपको सेल प्राइस में मिल जाएगा एंड ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है एंड आपको ऐसे पैक ओपन करके मिल जाएगा ओके okay? सो so आपको मिल जाएगा व्हाइट कलर के कॉटन पैड्स आएँ एंड थोड़े बहुत ये वेट है मतलब इतने भी वेट नहीं है कि बिल्कुल से आपके हाथ अगर ड्रॉप मतलब ऐसा नहीं है कि ड्रॉप करेगा कंटेनर uh, में से सो so ये बिल्कुल ड्राई कॉटन पैड्स हैं सो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा पार्ट ये जो उभरा हुआ पार्ट है सो so इसमें टोनर है एंड आपको uh, उभरे हुए पार्ट से आपको अपने फेस को डैप 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 मोशन करना है जिससे कि आपके फेस टोन अप हो जाएगा सो so मुझे ये कैसे इसको यूज़ किया है वो देख लीजिए ओके सो काश जैसे कि आपने रिव्यू देख लिया एंड क्लोज ऑफ व्यू देख लिया कैसा एंड वॉट आर द क्लेम्स एंड ऑल ओके सो अब मैं क्या करूँगी ये वाला एक पैड लूँगी एंड मेरा ऑलरेडी फेस क्लेंस है स्क्रब्ड है ऑलरेडी स्क्रब्ड है एंड अब मैं ये वाला पैड यूज़ करूँगी सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना एक साइड प्लेन दिख रहा है एंड एक साइड यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ पार्ट है सो so मैं क्या करूँगी इसे डैप 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 करूँगी एंड आप देख सकते टोनर जैसा इसमें ना मुझे बहुत बहुत मतलब जैसे रोज वाटर जैसी फ्रेगनेंस होती है बिल्कुल वैसी फ्रेगनेंस आ रही है मुझे एंड जो भी मैंने स्क्रबिंग करी थी ना उसके ऊपर टोनर अप्लाई कर लूँगी बिकॉज टोनिंग के लिए क्या होता है आपका जो आपके जो पोर्स होते हैं ओपन होते हैं सो so, टोनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज़ सो so इस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरी स्किन प्रेप हो रही है इसे एंड मुझे बिल्कुल रिफ्रेशिंग जैसी खुशबू लग रही है इसकी मतलब मुझे मेरी फेस को बिल्कुल रिफ्रेश कर दिया है एंड टोनिंग जो होता है अपन क्या करते हैं मोस्टली अपन को स्प्रे फॉर्म में मिलता है तो वो भी कन्वीन होता है एंड अपन को कभी भी मिलता है अपन को मतलब डायरेक्ट अपने हैंड्स पर लेना हो लेना होता है एंड या अपन को अपन क्या कर सकते हैं अपन ड्राई ये ले सकते हैं पैड एंड उस पर अपन टोनर पोर करते हैं बट इसमें आपको दोनों मतलब मतलब आपको सब चीज़ मिल रही है इसमें मतलब एक ही पैड में आपको टोनर भी मिल रहा है तो आपको सिर्फ डायरेक्ट यूज़ करना है अपने फेस पर तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है एंड आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों का आवाज़ आ रही होगी मेरे बैकग्राउंड में आई एम रियली सॉरी फॉर दैट सो अब क्या करूँगी अपने फेस को अच्छे से प्रेप कर लूँगी एंड मुझे इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है एंड इसे डैप 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 मोशन में आप टोनिंग कर सकते हैं अपने आईज़ के पास अपने फुल फेस पे ठीक है अपने, अपने अंडर आईज़ पे अपने नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप इसे ओके सो अपने नेक पे अप्लाई करूँगी सो so, मुझे एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा आप चाहें मतलब मैं तो अभी एक ही प्रोडक्ट यूज़ प्रोड़ कर रही हूँ इसका सो so, अगर मुझे यूज़फुल लगेगा तो मैं एक और यूज़ कर लूँगी मतलब अगर जैसे आप अगर आपको टोनन लेके नहीं जाना है अपने कहीं आप जा रहे हो ट्रैवल के लिए सो so, आप ऐसे वाले पैड्स ले जा सकते हो बिकॉज ये बहुत कन्वीनट है आप लोग इसमें इतने सारे मिल रहे हैं ट्वेंटी मतलब थर्टी पैड्स मिल रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इसका जो प्राइस है वो है इस वन ट्वेंटी इसका प्राइस है एंड इसमें सारे इंग्रीडियंस ले है एल्कोहल फ्री है सल्फेट फ्री है एस फ्री है एंड मिनरल ऑयल फ्री है पैरबिन फ्री है सो ये फेस के लिए बहुत अच्छा होता है मतलब इसमें कोई भी सल्फेट्स एंड हार्मफुल पार्टिकल्स नहीं है आपके स्किन को मतलब डैमेज करेगा सो so मुझे ये टोनिंग पैड्स अच्छे लगे हैं एंड मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा अच्छी ओके सो okay? so आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से टोनिंग कर ली अपने फेस की ओके सो अब जेनरली अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट की सो so, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा आप डेफिनी ट्राई कर सकते हो बट मुझे एक चीज़ ऐसी अच्छी लगी बिकॉज जब मैं इस टोनर बैड को यूज़ कर रही हूँ सो so, इसमें इतना मतलब इतना टोनर है कि मैं अपनी अपलाई कर सकती हूँ बट थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिकली ड्राई हो रहा है इसमें ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे मैंने ये यूज़ कर लिया है सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसमें कोई टोनर था ही नहीं मतलब या yeah, आई नो मैंने अप्लाई कर लिया है बट ये बहुत जल्दी ड्राई भी हो रहा है मतलब अगर आप इसे यूज़ करें सो प्लीज़ आप इसे ध्यान रखें कि आप इसे ओपन नहीं रख रहे हो मतलब इस कैप को ओपन नहीं रख रहे हो बिकॉज आपका सारा टोनर उड़ जाएगा कोई फायदा नहीं है सो so, मुझे ये चीज बस इसकी थोड़ा डिसएडवांटेज लगा बट या मुझे ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लगा है अब टोनिंग कर ली तो अब इसके बाद मैं क्या मैं करूंगी मैं सीरम अप्लाई करूंगी सो सीरम के लिए आई विल बी यूजिंग दिस इज द बायोटिका बायो मॉर्निंग नेक्टर सीरम फ्लॉलेस सीरम है ये सो so, थोड़ा सा क्वान्टिटी में लेके मैं अपनी सिरम अप्लाई करूंगी बिकॉज टोनिंग के बाद सीरम अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो थोड़ा सा मैंने ले लिया है एंड एंड टोनर अप्लाई करूंगी एंड रियली गाइज मेरी स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट लग रही है अभी इतनी ज्यादा सॉफ्ट मतलब और uh, जब मैंने वीडियो सर करती थी मुझे इतनी सब नहीं लगती तब मैं जो इतनी अच्छी लग रही है अभी स्किन अपनी बिकॉज मैंने एक्सपोर्टिंग भी करा था एंड टोनिंग भी अप्लाई करा तो मुझे मतलब ये वाले दोनों प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं एंड अगर आपको उसका रिव्यू देना आ जाके चेक कर सकते हो uh, अब मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे दिस इज द एलोवेरा जेल एंड एलोवेरा जेल है इमाम का सो so, थोड़ा सा में लेके मैं जेल अप्लाई कर करूँगी आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं सो मैं जेल को एज अ मॉइस्चराइजर ही अप्लाई कर रही हूँ सो so, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा इज डेफिट ट्राइक कर सर ख मेरी स्किन खुद दिख सकती कितनी रेडियंस है कितनी ग्लो लग रही है मतलब या प्लीज़ लीव दैट बिकॉज ये ब्लमिश है मेरे आ, मुझे हाइट नहीं हुआ एक्नी मार्क्स के थोड़े बहुत रह गए मेरे फेस पे सो so, आप खुद देख सकते हैं मेरी स्क्रीन मतलब इसका भी मेरा रिव्यू आएगा चैनल पर मैं आप लोगों को है शेयर करूँगी कि मैंने अपने रिड्यूज कैसे करें अपने मार्क्स सो दिस प्रोडक्ट इज़ ऑसम मुझे बहुत अच्छा लगे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं खुद मतलब एक्सप्लूडेंटिंग पैड्स बहुत अच्छा लगे अगर ट्रेवल फ्रेंडनी अगर यूज़ करना है तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आप लोग को ये वाला प्रोडक्ट परचेस करना है तो मैं आप लोग को लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं एंड प्लीज डेंट फॉर गेटी फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट मैं इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी प्लीज़ वहाँ जाकर चेकआउट करें एंड अगर वीडियो पसंद आया होगा इस तो आपको क्या करना है सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें प्लीज कमेंट करें एंड नेक्स्ट वीडियो गाइज लव यू गाइज बाय गाइज स्टे सेफ